सर वेलकम टू द चैनल। हेलो सुहेल एंड हेलो ऑल योर व्यूअर्स। सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सब जनता के क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर कि पुलिस जो इतना अच्छे से ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको सुधारने की एक प्रयास में है और हेलमेट्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करना, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाई जाए और बेल्ट्स लगा कर फोर व्हीलर्स ड्राइव करें, तो सर जैसे कि आपने बहुत सारी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया है, जैसे कि अगर अपन ट्रैफिक ट्रैवल एजेंसीज़ की बात करें, आपने उनको भी सही से करने की पार्किंग को लेके, तो सर रोड की जो स्थिति है, रोड्स की स्थिति इतनी ख़राब है कि जो लोग रात को अगर निकलते हैं तो कई बार गिर जाते हैं और उनको चोट पहुँचती है, तो क्यों ना आप इन जो ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इनको भी इन्वॉल्व करके और इनको भी कहें कि भी रोड्स को सुधारा जाए ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस कम हो। आपने बात करी उदयपुर की सड़कों की, मैं मानता हूँ कि उदयपुर की सड़कों को लेकर पब्लिक की जो भ्रांतियाँ हैं या पब्लिक को जो लगता है कि सड़कें टूटी हुई है, और टूटी हुई सड़कों पर कई लोग कहते हैं कि हम हेलमेट क्यों लगाएं, तो दो तीन इश्यूज़ हैं। मेरा कहना है कि सड़कों का आपकी सेफ्टी से कोई रिलेशन नहीं है। पहली चीज़, अगर सड़कें टूटी हुई हैं तो हेलमेट लगाना और ज़रूरी हो जाता है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। दूसरी बात आपने कही कोऑर्डिनेशन की कि हमारी विभिन्न एजेंसी से क्या कोऑर्डिनेशन है, तो मैं आपको बताऊँ, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, सारे व्यूअर्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस माध्यम से सारे उदयपुर वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी इस पर पूरी नज़र है, हम सारी एजेंसी से संपर्क में हैं, हमने UIT, नगर निगम, जिला प्रशासन, PWD सबसे बात की है कि सारी सड़कें मरम्मत की जाएं, और इस दिशा में उन्होंने प्रयास शुरू कर, हमें उम्मीद है जल्दी सारी सड़कें तैयार हो जाएंगी, काफ़ी काम शुरू हो गया है, तो उम्मीद है जल्दी शुरू हो जाएंगी, सारी काम फिनिश भी हो जाएगी जल्दी और सड़कें तैयार हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि ट्रैफिक का मसला बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का है गवर्नमेंट लेवल पे, और हम इस कोऑर्डिनेशन को बना के ही कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को इन्फोर्स करें जी। सेकंड सवाल सर ये था कि जनता जो है, जनता जो जनरली ये कहती है कि जैसे पुलिस इम्प्लीमेंटेशन तो कराती है जी, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जी जी, उनको उनके लिए रूल्स नहीं है, जैसे कि उदयपुर की अगर डेलीगेट चौराहे की मैं बात करूँ, वहाँ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जब शाम को लोग वहाँ पर डिनर वगैरह के लिए आते हैं तो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर देते हैं, जिससे काफी कंजेशन होता जी जी जी, तो ऐसा मैं नेम तो कोट नहीं करूंगा जी जी, लेकिन क्योंकि बहुत नजदीक है यहाँ से जी, तो उनके ऊपर भी क्या असर होती है, उनकी जो गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क होती हैं उसकी वजह से काफी दिक्कत आती है, तो क्या उनको भी इस चीज़ में लिया जाए। देखिए, अवैध पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, शहर के कई चौराहों पर हमें शिकायत मिलने लगी है कि गलत तरीके से व्हीकल्स पार्क होते हैं, आवागमन अवरुद्ध होता है, लोगों का आना जाना मुश्किल होता है, इसको हमने ध्यान में रखते हुए अब हम ये ड्राइव भी शुरू कर रहे हैं कि जितने चौराहे हैं वहाँ जो इलीगल पार्किंग होगी उसको ख़त्म करेंगे और रेगुलेट कराएंगे व्यवस्था को, कोशिश शुरू कर दी है, थोड़े दिनों में जो ऐसे सारे चौराहे हैं उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे जी। सर अभी अभी रिसेंटली देखा गया है कि पहले मोहतावा जो मतलब इल प्रैक्टिस माना जाता था गांव में ज़्यादा इसको होता है ये चीज़, अभी देखा जा रहा है कि सिटी में भी मोहताना जी, रिसेंटली कुछ केसेस में देखा गया कि लोग कुछ भी होता है तो वो बैठ जाते हैं जी जी जी, इसको इरेडिकेट करने में पुलिस क्या कर रही है? देखिए, एग्जैक्टली मौताने से रिलेटेड प्रथा तो नहीं थी ये, जो दो इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली हुई हैं उनके अंदर ये सही है कि संबंधित पार्टियों से मुआवजा लेने के लिए, गवर्नमेंट से मुआवजा लेने के लिए इन्होंने थोड़ा डिले किया बॉडी का डिस्पोजल, लेकिन मैं आपको बता दूँ किसी तरह का दूसरा इन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, और इनको समझाकर हमने बॉडी का भी डिस्पोजल कराया, अंतिम संस्कार कराया, तो ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करे या कोई रास्ता जाम करे या इस तरह की हरकत करे, अगर ऐसी कोई हरकत होती है बड़ी सख्ती से निपटेंगे। ये दोनों ही केसेस में जो बॉडीज़ हैं मॉर्चरी में ही पड़ी हुई थी, ये बॉडीज़ कहीं बाहर रास्ते पर नहीं थी, अगर किसी ने इस तरह की बदमाशी करी तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी किसी भी तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर बेतरतीब पार्किंग की अपन बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे चौराहे हैं जी और कुछ ऐसे मॉल्स हैं जी जहाँ पर पब्लिक सिर्फ इस वजह से हमें लगता है कि बाहर रोड पे पार्क कर देती है क्योंकि वहाँ के जो उनके चार्जेस हैं पार्किंग के काफी ज्यादा उनको लगते हैं जी जी जी, तो क्या इसके ऊपर भी पुलिस देखिए एक तो जी
देखिए, एक तो पार्किंग बेतरतीब करने वालों के खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, जल्दी ही समस्त चौराहों पर ड्राइव चलाकर ये कार्रवाई करेंगे, लोगों की समझाइश भी करेंगे। और जहाँ तक रही बात मॉल्स पे अगर पार्किंग रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनसे बात करेंगे, हालांकि वो प्राइवेट मॉल्स हैं, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। अगर पार्किंग रेट्स रिजनेबल करने से लोग वहाँ पार्क करने लगे तो ये शहर की सुविधा के लिए ऐसे प्रयास भी कर लेंगे। जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट, जब से आप आए हैं, जब से आपने ज्वाइन किया एज अ नर्स, जी आपने काम किया ड्रग्स पे, जी स्पेशली एमडीएमए का जो भी प्रचलन उदयपुर में, राइट, जी जी, तो उसको कैसे अपन कदम करने का चल रहा है? देखिए, एमडीएमए के खिलाफ हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली दो बड़ी सीजर्स हुई हैं, इसके अलावा पहले भी हमने प्रतापनगर में बड़ी सीजर की थी, सुकेर में बड़ी सीजर की है। सप्लायर्स को पकड़ रहे हैं, पूरे सप्लाई चेन को तोड़ना हमारा मकसद है। एंड कंज्यूमर्स हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन जो हैंडलर्स, पेडलर्स, कैरियर्स, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे और एमडीएमए का प्रचलन ख़त्म कर पाएंगे। कोशिश हमारी लगातार जारी है। जी कार्रवाई पुलिस की होगी, जी जी, ऐसा देखने में आता है कि हुक्काबाज पे आप कार्रवाई करते हैं, उसके दो तीन दिन बाद ही वापस हुक्काबाज चलने लग, वापस स्टार्ट हो जाते हैं और वापस उसी लेट तक वो चलते हैं। जी, तो ये इसके ऊपर परमानेंटली इसको रेगुलराइज कर पाएं, इसके लिए क्या? देखिए, हुक्काबाज तो चलने नहीं दिए जाएंगे शहर में, नई जनरेशन के लिए बड़े घातक हैं। इनकी आड़ में सिर्फ ये स्मोकिंग नहीं है, बल्कि इनकी आड़ में काफ़ी सारे ड्रग्स का यूज़ भी होता है, और नई जनरेशन जनरली बिगड़ती है, इसको फैशनेबल मानती है। हुक्का बार्स तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित हैं, निषिद्ध हैं। कोशिश रहेगी कि हुक्का बार नहीं चलें। आपने जैसा बताया कि पुनः शुरू हो जाते हैं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से स्केल में कमी आई होगी। आप एक बार ये खुद ही देखिएगा, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से हुक्का नहीं मिलते पहले जैसे। कोशिश कर रहे हैं कि हुक्का बार्स बिल्कुल ख़त्म हो, और जब भी शिकायत आएगी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और तब तक चलेगी जब तक ये हुक्का बार्स बिल्कुल ही बंद ना हो जाए। लेकिन क्या सर, इस पर्टिकुलर तीसरी आंख को हम लोग, ये जो शराब की दुकानें जो 8 बजे बाद खुलती है, आपके आने के बाद तो काफी कम हो गए, लेकिन कुछ एरिया अभी भी ऐसे खुलती है, वो चोरी छुपके वो देते हैं, क्या क्योंकि स्कैम बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सुहेल कि उन पर भी हमारी नज़र है, और सीसीटीवी जो कैमरे हमारे अभय कमांड के हैं पूरे शहर को कवर नहीं करते, ये कुछ प्रमुख चौराहों पे ही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनका फैलाव बढ़े, लेकिन आज हर जगह नहीं है ये, लेकिन इनके दायरे में, इनकी जद में जो भी इस तरह की दुकानें आएंगी उनको, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं है, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये कार्रवाई आबकारी विभाग को करना चाहिए, किंतु पुलिस 8 बजे के बाद जो भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, यदि हमें उनके बारे में कोई भी पब्लिक वाले जानकारी दें, आप ये लोगों को बता सकते हैं, वो हमें बता दें कि अमुक जगह खुली हुई है, तो हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। हमारे लिए संभव नहीं होता। देखिए, पब्लिक तो समझती है कि जो सारी दुकानें खुली हुई हैं पुलिस को मालूम होता है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अगर हमें आप बता देते हैं कि अमुक दुकान खुली है, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये है कि पहले भी हमने आपसे ये बात कही थी, जी, कि जो पुलिस का रवैया, मतलब बात करने का जो बिहेवियर, जी जी जी, वो जितना नरम हो जाए, जी, तो मेवाड़ की जनता ऐसी है कि अगर आप प्यार से उनको कुछ बोलें तो जल्दी उसको, जी 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 जी। सर, इसके बारे में भी, क्योंकि जो पब्लिक का रिस्पांस हमारे पास आ रहा है, जी, तो चौराहे पे जब रोका जाता है तो काफी देखिए, लगातार व्यवहार को लेकर बात कर रहे हैं। हम अपने जवानों को हमेशा ही समझाते हैं, हम अपने अधिकारियों को ही समझाते हैं कि हम सब इसी समाज का हिस्सा है, और हमारे सारे जो जनता यहाँ पर है, आमजन है, वो हमारे परिवार की तरह है, हम एक लार्जर फैमिली का हिस्सा है। हम उदयपुर से अलग नहीं करके अपने को देख सकते, और हमारी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी क्राइम कंट्रोल की है, लोगों के मान सम्मान की रक्षा की है, लोगों के जान माल की रक्षा की है। तो हम व्यवहार उनसे ख़राब कर ही नहीं सकते। व्यवहार ख़राब होने पर आप उसकी शिकायत करें, यदि कोई पुलिसकर्मी आपसे गलत ढंग से पेश आता है, उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करें, हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे और हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। देखिए,
मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 8 घंटे 10 घंटे लगातार चौराहे पे खड़ा पुलिसकर्मी कई बार दुर्व्यवहार कर बैठता है उसके वर्क प्रेशर की वजह से, लेकिन ये अक्षम्य है, ये बिल्कुल अक्षम्य है। उसे हर हालत में शालीन व्यवहार करना है जनता के साथ, और इसको हम इंश्योर करेंगे। आपको अगर कभी लगता है किसी पुलिसकर्मी ने गलत व्यवहार किया, आप हमें शिकायत कीजिए, आप कंट्रोल रूम को बताइए, आप हमारे नंबरों पर शिकायत कीजिए, हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सर, रिसेंटली देखा गया है कि मतलब जो है काफी सारे इंसिडेंसेस हुए, जैसे कि ब्रॉड डेलाइट मर्डर्स हो रहे हैं, घरों के बाहर निकाल के उनको मारना ही करना वो हुई है, तो इसको लेके कैसे पुलिस की मतलब जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके दिमाग में खौफ पुलिस की तरफ से क्रिएट है? जी देखिए, अपराधों को लेके तो बिल्कुल ही हमारी सहनशीलता शून्य है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त एक्शन लेंगे, एक्शन ले रहे हैं, सख्त एक्शन ले रहे हैं। आपने कहा गैंग वार्स की, कई बार ये घटनाएं हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होती मगर हो जाती हैं, इनको रोकने के प्रयास किए जाएंगे, इनको हम पाबंद भी करा रहे हैं इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लिया जा रहा है, और किसी प्रकार की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने कहा कि ओपनली अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन होगा, तो खौफ तो अपराधियों में होना ही है, और वो हम पैदा करेंगे अपराधियों में खौफ, उसके कई तरीके हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं, और आपको शीघ्र जो है इसके नतीजे भी मिलेंगे। कोशिश जारी है, बदमाशों को पकड़ा गया है, कई बड़े बदमाशों को, और जो बदमाश अगर बाहर सक्रिय है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अब लास्ट सवाल मेरा जी, कि आप तो चाहते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन पब्लिक और पुलिस का जी कायम हो, जी उसके लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि पब्लिक में कहीं ना कहीं एक एक उनका टेंडेंसी है कि पुलिस से डायरेक्टली उनका अप्रोच नहीं होता था, जी उसके लिए क्या मैसेज? देखिए सोहेल, टू वे कम्युनिकेशन तो पब्लिक के साथ हमारा बनता भी है, हम बनाएंगे और लगातार रहेंगे। मैंने कहा ये सारी पुलिसिंग पब्लिक के लिए है, हमारी सारी व्यवस्था उनके जान माल और सम्मान की रक्षा के लिए है, हम जो कुछ कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ट्रैफिक हो या फिर उनके अपराधों की रोकथाम हो या शहर की दूसरी व्यवस्थाएँ हो, सब कुछ पब्लिक की सुरक्षा को उनके सहूलियत को ध्यान में रखकर की जा रही है। इसलिए पब्लिक से कम्युनिकेशन तो हमारा अनिवार्य है, जब तक हमें पब्लिक का फीडबैक नहीं मिलता हम अपनी व्यवस्था को भी सुधार नहीं सकते। हम लगातार पब्लिक से फीडबैक प्राप्त करते रहते हैं, और आपको मैं श्योर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जनता हमसे डायरेक्टली संवाद करना चाहती है तो हमारे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हुए रहते हैं, ये आमजन के लिए हैं, वो आकर हमें अपनी बात बता सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर उनको दे सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर दे सकते हैं, आप 24 घंटे इस पर कोई भी मुझे इत्तला दे सकते हैं, कोई भी बात बता सकते हैं, अपनी कोई भी समस्या शेयर कर सकते हैं। अगर वो एक्शनेबल है, अगर उस पर एक्शन लिया जाना है, हमारे कानूनी दायरे में आता है, तो उस पर डेफिनेटली एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, आप कतई हिचकिचाहट नहीं रखें, हम आपके कस्टोडियंस के रूप में इस शहर में काम कर रहे हैं, हमें विश्वास मिले, हम पर विश्वास करें, हम आपकी सारी समस्याओं का अंतिम पड़ाव है। थैंक यू। थैंक यू। उसको दोबारा करना है, ये कहना चाहिए दोबारा करें।